नमस्कार। न्यूज़ में दावा किया जा रहा है कि एक नेजल स्प्रे आने वाला है जो कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये किसने और कहां बनाया है, इससे कितना फ़ायदा होगा, ये हमारे देश में कितना कारगर साबित होगा और ये हमें कब तक मिल जाएगा। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लड़ना है तो दूसरी तरफ अपना बचाव भी करना है। बचाव के लिए हमारे पास फिलहाल 3 ही हथियार हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन। अब एक चौथी चीज़ भी सामने आई है और वो है नेजल स्प्रे। कोरोना वायरस के खिलाफ ये नया इनोवेशन कोरोना की लहर को कंट्रोल करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कनाडा की कंपनी सैनोटाइज ने इसे तैयार किया है और ये एक हैंड सैनिटाइजर की तरह नाक में काम करने वाला स्प्रे भी कहलाएगा। ये वैक्सीन को रिप्लेस तो नहीं करेगा पर सबके लिए एक आशा की किरण बनकर आएगा। इस स्प्रे में है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड किसी भी वायरस को मार देता है। इसे नाक में स्प्रे करना होता है और ये कुछ ही सेकंड में नाक में ही वायरस को ख़त्म कर देगा। इससे ना तो वायरस पनपता है और ना ही फेफड़ों को कोई नुकसान होगा। हम जानते हैं कि इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है और नाक ही वो जगह है जहाँ से वायरस की एंट्री होती है और वो अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है। अगर हम वायरस को नाक में ही मार देंगे तो वो अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं, भीड़भाड़ में हैं, तो वहाँ से निकलकर तुरंत ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं मास्क हटाकर। कनाडा और यूके में इसके ट्रायल्स हुए हैं। इसने 24 घंटे में वायरस को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटे में 99.9% तक। सैनिटाइज कुछ दिनों में भारत में भी अपना नेजल स्प्रे उतारने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भारत में भी जनवरी से नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वैक्सीन को अगर इस नेजल स्प्रे का साथ मिल जाए तो दुनिया कोरोना को हरा सकती है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।